अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, यानी कि वो उस पॉइंट पर है जिस पर विलिंगनेस टू बाय इज इक्वल टू विलिंगनेस टू सेल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस दैट केम इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर, और इसी सीरीज में आज एक अगला वीडियो। गाइस, हमने इसी सीरीज में एक वीडियो बनाया था इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि इक्विलिब्रियम होते कितने टाइप के हैं, मतलब क्या है इक्विलिब्रियम का, और इसी में हमने मार्शल्स इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, और वॉलरस के जनरल इक्विलिब्रियम, इसका आपको ब्रीफ आउट किया था कि ये क्या है। पार्शियल इक्विलिब्रियम को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम आगे की कंडीशंस देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। इस सीरीज में मैंने आपको जब इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था तब बताया था कि 5-6 वीडियो आएंगे, तो इक्विलिब्रियम का ही आज पार्ट 2 है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो देखिए मार्शल ने दिया था पार्शियल इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की मैं आपको कंडीशन भी बता चुका हूं। क्या है कंडीशन? मार्शल के केस में कंडीशन है WTB शुड बी इक्वल टू WTS, यानी कि विलिंगनेस टू बाय शुड बी इक्वल टू विलिंगनेस टू सेल। जब ये होएगा तभी आपका इक्विलिब्रियम आता है। अब देखिए, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर दूसरे टाइप के इक्विलिब्रियम और तीसरे टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पर अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, यानी कि वो उस पॉइंट पर है जिस पर विलिंगनेस टू बाय इज इक्वल टू विलिंगनेस टू सेल, और यहां से अगर इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया जाता है, इस पॉइंट से उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इट रिटर्न्स बैक टू दिस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वापस आ जाएगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, सेकेंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है गाइस, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिटर्न नहीं करेगी, वो आगे मूव कर जाएगी, इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी। ओके, एंड थर्ड टाइप होता है जिसको कि हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहां से अगर आप देखिए, सबसे पहले यहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, अब अगर इकोनॉमी को आप डिस्टर्ब करोगे इस पॉइंट से, तो क्या होगा, इकोनॉमी जिस भी नए पॉइंट पे जाएगी वहां पर इक्विलिब्रियम बना लेगी। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके। अब देखिए, पार्शियल में जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी मार्शल्स इक्विलिब्रियम में जब हम इक्विलिब्रियम का एनालिसिस करते हैं, सो देयर आर 4 केसेस पॉसिबल। 4 केसेस हैं यहां पे, और इन 4 केसेस के भी पार्ट्स हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मार्शल एंड वॉलरस में 5-6 वीडियोस आपके बनेंगे। एक बना चुका हूं, आज दूसरा है। पहला क्या है कि आपका डीडी यानी डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड एसएस इज अपवर्ड स्लोपिंग, नॉर्मल कंडीशन वाला। Supply is upward sloping. Okay, just a minute. ये हमारा पहला केस हो गया। सेकेंड केस यहां पर क्या है कि हमारा DD और SS दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डीडी और एसएस दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसमें 2 केसेस बनेंगे। पहला केस है कि आपका सप्लाई कर्व स्टीपर हो, सप्लाई कर्व स्टीपर यानी कि डिमांड कर्व फ्लैटर, और सेकंड केस आपका डीडी स्टीपर हो।
ओके. थर्ड केस है वो डीडी एंड एसएस आर अपवर्ड स्लोपिंग. इसमें फिर से देयर आर टू पॉसिबल केसेस. पहला क्या है, एसएस इज स्टीपर, सप्लाई कर्व आपका स्टीपर है. और सेकंड केस क्या है, आपका डीडी इज स्टीपर. ठीक है, नेक्स्ट इज डीडी आपका अपवर्ड है, जस्ट ऑपोजिट हो गया फर्स्ट केस का, अपवर्ड स्लोपिंग है. एंड सप्लाई कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ओके, ये सारे केसेस हम लोगों को करने हैं. चलिए आज पहले केस की बात करते हैं जो कि हमारा नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व का है. नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व. तो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब देखिए वाई एक्सिस के लॉन्ग प्राइसेस लेते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटी लेते हैं. ये रहा आपका सप्लाई कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये रहा आपका डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. बोलिए इसको ई बोल लीजिए, यहां पे क्वांटिटी को क्यू बोल लीजिए. ठीक है, अब देखिए अगर हमारा इक्विलिब्रियम क्यू से क्यू टू पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, ये क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, मान लीजिए क्यू टू क्वांटिटी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, क्यू टू क्वांटिटी प्रोड्यूस होने लगी. अब Q2 पे देखिए क्या है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है. सप्लाई कर्व डिमांड कर्व Q2 पे शिफ्ट हुए, चेंज Q2 पे आया है. Q2 पे देखिए क्या हो रहा है, आपका सप्लाई इज लेसर देन डिमांड. यस और नो? यस और नो? फॉर Q2 योर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. तो अगर डिमांड, ये रही मेरी डिमांड, This is greater than supply, तो क्या होगा, prices will start increasing, right or wrong? बोलिए, price बढ़ना शुरू हो जाएंगे. और जब price बढ़ना शुरू होंगे तो क्या होता है, जब भी economy price बढ़ते हैं तो suppliers क्या चाहते हैं, वो more and more quantity supply करना चाहते हैं. जब वो ज्यादा से ज्यादा quantity supply करने लगेंगे तो क्या होगा, तब आपका price में declination आना शुरू हो जाएगा. Yes or no? बोलिए बोलिए. ठीक है, लेकिन उससे पहले जब प्राइस ज्यादा है सप्लायर्स क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज दी क्वांटिटी सप्लाइड. तो इस पॉइंट से अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दीजिए, पॉइंट ए से अपवर्ड शिफ्ट होने लगेगी सप्लाई, इक्विलिब्रियम की तरफ जाने लगेगी. बोलिए. और जब सप्लाई ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है तब आपकी डिमांड रिड्यूस होने लगेगी. यस और नो? तो डिमांड आपका मूवमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा डिमांड में. ये देखिए इधर, यानी वापस इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं, हां कि ना? सप्लाई बढ़ गई, लोग कम पैसे भी देंगे, वापस आ रहे हैं इक्विलिब्रियम पे. है स्टेबल इक्विलिब्रियम. चलिए इसमें आपको मैं एक और सिनेरियो ले लेता हूं. मान लीजिए क्यू था क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम, अब क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम से शिफ्ट करके Q3 क्वांटिटी पे आ गए. Q3 क्वांटिटी पे इसको C बोल दीजिए, इसको D बोल दीजिए. आप देख सकते हैं जब मैं Q3 क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो मेरी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, राइट और रॉन्ग? और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है इसका मतलब क्या हुआ, वॉन्ट टू सेल इज ग्रेटर देन वॉन्ट टू बाय. बोलिए हाँ कि ना?
या ऐसे बोल दीजिए want to purchase is less than want to sell. यहाँ पे WTP is less than WTS वाला scenario आ जाएगा. लोग खरीदना चाहते हैं कम लेकिन supply ज्यादा है. जब supply ज्यादा है पर demand कम है तो इसका मतलब अब सप्लायर्स क्या करेंगे, वो अपनी सप्लाई में रिडक्शन लाएंगे. सप्लाई में रिडक्शन लाएंगे यानी पॉइंट सी से लेफ्टवर्ड मूवमेंट या बैकवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा. राइट और रॉन्ग, ठीक है. और जब सप्लाई कम होगी तो लोग अब ज्यादा पैसा देना चाहेंगे. राइट और रॉन्ग, तो डिमांड वाले में किधर मूवमेंट हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा. ये देखिए वापस इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं. यस और नो, इसका मतलब इस केस में कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है. अंडरस्टूड और नॉट गाइस, ठीक है. तो आज पहला केस किया हम लोगों ने इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस 2 फिर 3 एंड 4 ये केसेस भी करेंगे. आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा. थैंक यू.